एक बर्ड है तो उसकी लाइफ का पर्पस क्या है? उड़ती रहेगी, खाएगी पिएगी, अपने घोंसला बनाएगी, वहाँ पे कुछ बच्चे देगी, उन बच्चों का ध्यान रखेगी, उनकी केयर करेगी, उनको भी खिलाएगी पिलाएगी व्हाटएवर। बट मान लो कि उस बर्ड को, उस पंछी को किसी ने कैद कर दिया एक पिंजरे में, अब आप क्या कहोगे कि उसकी लाइफ का जो पर्पस है वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा सर। नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए वो बनी है वो नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही, उसको कैद कर दिया गया है, उसका बेसिक नेचर है, लाइक फ्लाइंग इज अ बेसिक नेचर, राइट, कि वो जो करने के लिए बनी थी वो नहीं कर पा रही, राइट, उसकी लाइफ का पर्पस अचीव नहीं हो पा रहा। अब इंसान को उस पंछी की जगह पे फिट कर दो, हम सब भी उस पंछी की तरह कैद हैं, दो लेवल पे, एक बॉडी के लेवल पे, एक माइंड के लेवल पे। अब बॉडी के लेवल पे जो हम कैद हैं, वहां से कैसे निकलेंगे? पैसे से निकलेंगे, यानी पैसे का ना होना एक तरह का पिंजरा है, राइट, जिसमें आप कैद हो, तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या हो गया उस वक्त? मनी। अगर फाइनेंशियली आप फ्री नहीं हो, फाइनेंशियली आप सिक्योर नहीं हो, तो आपकी लाइफ का एक ही पर्पस है, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन एन एथिकल वे। नहीं तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म में आपने अचीव कर भी लिया तो वो ग्रीड आपको फंसा देगी। तो ये कोई ग्रीड नहीं है, दिस इज अ नीड, नीड फॉर सर्वाइवल, इट इज अ नीड फॉर सर्वाइवल, नीड फॉर सर्वाइवल। तो पहले अपना सर्वाइवल इंश्योर्ड करो। तो एक तो हो गया, एक वो हो गया, ये है आपकी लाइफ का पर्पस। मतलब आप कह सकते हो टाइम के साथ साथ, या डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेज में हो लाइफ की, आपका पर्पस चेंज होता है, चेंज होता है। तो बहुत लोग ऐसा भी मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो तो हर स्टेज पर अलग अलग, जब हर स्टेज पे अलग अलग पर्पस है, तो इट वाज लाइक बोर्ड्स, ट्वेल्थ में समथिंग एल्स, जब ग्रेजुएट हो रहे थे तो डिग्री, देन जॉब, तो हर स्टेज पर फेज में लाइफ को तो चेंज होता रहता है, राइट। आप स्कूल में हो तो आपका पर्पस कुछ और है, कॉलेज में हो तो कुछ और है, और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो तो कुछ और है, पीएचडी कर रहे हो तो कुछ और है, उसके बाद में जॉब कर रहे हो तो कुछ और है। तो पर्पस टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। आप जानवर हो तो आपका पर्पस कुछ और है, इंसान हो तो कुछ और है। तो अब हमने बात करी कैद की, कैद कौन हो जाता है? मान लो आपकी जरूरत है 20,000 रुपए महीने की और आप कमा रहे हो 15,000 रुपए महीना, तो अब आप कैद हो गए। कहां कैद हो गए? अपनी जरूरतों में ही कैद हो गए। अभी तो कंफर्ट की और डिजायर्स की तो बात ही नहीं हो रही, लग्जरी की तो बात ही नहीं हो रही। आप भाग रहे हो सुबह से लेकर के रात तक, लेकिन आपके पास में इतना भी नहीं आ रहा है कि आप अपनी जरूरतें पूरी कर सको। तो सर एक तो हो गया इसका सही, मनी। तो अब आपका पर्पस क्या है इस पॉइंट पे लाइफ में? कि हाउ टू फाइनेंशियल ग्रोथ, सिंपल सिंपल। अब आप कहते हो कि यार मैं फाइनेंशियली तो फ्री हो गया, मेरी लाइफ का ये पर्पस अचीव हो गया, मेरे पास में पैसा है, मेरे पास में बैंक बैलेंस भी है, मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी कराई हुई है, मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी कराई हुई है, मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को पैसा मिल जाएगा, ये वो व्हाटएवर, ऐसे करके आपने इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ को फाइनेंशियली प्लान कर लिया है। okay. अब आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? क्योंकि एक्चुअल में लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। मीनिंग हम खुद क्रिएट करते हैं, हम लोग खुद अपने पर्पस, अपने फेज और अपने लाइक नेचर के हिसाब से खुद डिफाइन करते हैं अपने अपने लिए। अपनी कहानी है, जो मर्जी बना लो, झूठी है सच्ची है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, right. तो पर्पस इज व्हाट, मीनिंग इज व्हाट, आपकी अपनी कहानी है। कुछ ऐसा जो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है उसको भी आप मीनिंगफुल बना सकते हो, right. और कुछ ऐसा जो एक्चुअल में मीनिंगफुल है उसको भी मीनिंगलेस, उसको भी आप मीनिंगलेस बना सकते हो अपने माइंड में, ये तो कुछ है ही नहीं। तो अब क्या होता है कि जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो एक्चुअल में, तब आपकी लाइफ में से पर्पस निकल गया, वो क्या है? सर्वाइवल, सर्वाइवल, माय सर्वाइवल, माय फैमिली सर्वाइवल, ये सब आपने इंश्योर्ड कर दिया, इसको सबको सिक्योर कर दिया। okay. अब क्या करोगे? अब तो खाली हो गए। समझे प्रॉब्लम? yes, अब एक्चुअल में प्रॉब्लम शुरू होगी। अब कंफर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कंफर्ट जोन और बाकी। फॉर एग्जांपल, अभी जब तक आपका पेट नहीं भरा था, पर्पस क्लियर था कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, मेरे को रहने के लिए घर चाहिए। अब ये बेसिक जो लाइफ के पर्पस होते हैं, ये आपने अचीव कर लिए। बहुत कम लोग इस लेवल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जैसे जैसे आदमी की कमाई बढ़ती है, वो उस हिसाब से अपने खर्चे बढ़ाता चला जाता है। तो कमाई कितनी भी बढ़ जाए, खर्चे और ज्यादा हो जाते हैं, सेविंग और लोन ले लेता है, ये ले लेता है, वो ले लेता है, तो फंस जाता है ट्रैप में जाकर के। दुनिया की नजर में वो अमीर होता है, लेकिन अंदर से एक्चुअल में गरीब होता है। अमीर की डेफिनेशन क्या है, गरीब की क्या है? अमीर वो जिसकी कमाई बहुत ज्यादा, खर्चे बहुत कम। और गरीब कौन? जिसके खर्चे बहुत ज्यादा, कमाई खर्चों से कम, वो गरीब।
चाहे आपकी कमाई है 1 करोड़, लेकिन अगर खर्चे हैं 2 करोड़ तो आप गरीब हो। सिंपल। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में अमीर हो पाते हैं, यानी फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं, यानी इस लेवल तक पहुंच पाते हैं कि जहां पर उनको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। यानी एक्चुअल में जो पर्पस था एट अ बायोलॉजिकल लेवल या एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, वो अचीव हो गया। अब क्या करें? नाउ देयर इज नो पर्पस इन लाइफ, राइट? नाउ देयर इज नो मीनिंग इन लाइफ। तो वो लोग क्या करते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं प्लेजर्स में, खाओ पियो मस्त रहो, पार्टी करो। बट ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो फंसा देता है, कुछ ही टाइम में वो फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आने लग जाती है। प्लेजर्स में आप इंडल्ज होगे तो फंसोगे, लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है। शो ऑफ करने लग जाते हैं, अंदर से खोखले हैं, बाहर से दिखा रहे हैं, नाम के पीछे भागने लग जाते हैं, दिखाने के लिए बार बार से। एक्चुअल में दे डोंट केयर अबाउट द अदर पर्सन, बट दिखाने के लिए कि अच्छा मैं इतना पैसा दूंगा डोनेशन के नाम पे, मेरा कहां पे नाम आएगा, स्वर्ण अक्षरों में मेरा नाम लिखा जाएगा, ले भाई तू 1 लाख रुपए ले ले। मतलब शर्त है वहां पर भी, चैरिटी नहीं है एक्चुअल में, कोई सेवा नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। ये नहीं है कि किसी का भला हो जाए, ना जी, अपना आउट ऑफ फेम, बस नाम चाहिए। अब वो नाम के पीछे भाग रहे हैं, पावर के पीछे भाग रहे हैं, पावर चाहिए और पैसे की भूख। बट ये सब आदमी को अंदर से और खोखला करती चली जाती है। आप देखते ही देखते जानवरों के भी लेवल से नीचे गिर जाओगे। अब वो लेवल क्या है? जानवर एटलीस्ट अपनी भूख के लिए शिकार करते हैं, राइट? जब उनका पेट भर जाता है तो रुक जाता है। आदमी अपनी ग्रीड के लिए शिकार करता है, अपने लालच के लिए शिकार, और उसका कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है। आप ये कह सकते हो एक तरह का वॉइड है। हाँ, तो प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाओ, या तो प्लेजर्स के थ्रू इसको आप भर सकते हो, या नेम के थ्रू, पावर के थ्रू, फेम के थ्रू, डेजिग्नेशन के थ्रू, किसी भी तरीके से, पोजीशन के थ्रू, एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, राइट? किसी भी तरीके से आप या तो इसको भरने की कोशिश करते रहो, बट दिस इज लाइक अ बॉटमलेस पिट, ये भरता ही नहीं। जितना भी भर दो खाली का खाली रहता है। अब आपने देखा कि ये तो एक दूसरा पिंजरा है साइकोलॉजिकल लेवल पे। मतलब मैं चाहे कितना भी कर लूं, मैं इसके अंदर फंसा हुआ हूं, राइट? वो पिंजरा कहां है? यहां है, अंदर ही है, दिखता नहीं है। जैसे पैसे की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो दिख जाती है, राइट? बट ज्यादा पैसा होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो दिखती नहीं है, राइट? वो तो अंदर है, वो सिर्फ वही आदमी एक्सपीरियंस कर रहा होता है जो सिचुएशन में है। इसीलिए आप देखोगे ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जितने भी, वो डेवलप कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, डेवलपिंग में इतने नहीं है। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग में फिर भी लोगों के पास में क्लियर कट पर्पस है, क्लियर कट गोल है, एक क्लियर कट मीनिंग है लाइफ में, राइट? वो क्या है? पैसा कमाओ, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। और जहां पे अचीव हो चुका है, जहां पे अचीव हो चुका है, उनको ये डर नहीं है कि भूखे मर जाएंगे, उनका भी ये डर है कि अब क्या, नहीं, व्हाट नेक्स्ट? उनके पास में कुछ है ही नहीं, मीनिंगलेस, काइंड ऑफ अ वॉइड, दे आर लिविंग इन अ वैक्यूम, देयर लाइफ बिकम्स मीनिंगलेस, देयर लाइफ बिकम्स पर्पसलेस। अब कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये रियलिटी उनके सामने बैठ करके उनको देख रही है, अब क्या करें? अब या तो अगर आप बेवकूफ हो तो किसी भी तरीके से पावर, पोजीशन, ये वो पैसे के पीछे भागते ही रहोगे एंडलेसली, जिसका कोई अंत नहीं, एंडलेस। तो आप क्या हो? बेवकूफ हो। अब जानवरों से भी नीचे के लेवल पे हो। या फिर आप क्या करोगे? अब आप बैठ करके अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, क्या लाइफ का मतलब बस यही है? लाइफ इज सफरिंग, बट हु इज सफरिंग? नाउ यू आर कमिंग बैक टू योरसेल्फ। अब आप बाहर नहीं भाग रहे दुनिया में, क्योंकि आपको समझ आ गया है, यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि उसका कोई अंत नहीं है। तो अब आप क्या करा? आपने पूरे धरती का एक चक्कर लगा करके बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू बेसिक्स, स्क्वायर वन, वापस आप अपने पास आ गए। खुद से ही ये जर्नी शुरू हुई थी, यस, क्योंकि नीड से ये जर्नी शुरू हुई थी, राइट? ये जर्नी ग्रीड तक गई, आपने ग्रीड को भी पूरा करके देखा, आपको समझ आ गया इसका कोई अंत नहीं है। फिर आप वापस अपने पास आ गए। आपने कहा कौन है ये जो ग्रीडी है, कौन है ये जो दुखी है? देखता हूं एक बार उसको। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही नहीं समझते हैं, बातें करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, बट दे डोंट हैव एनी क्लू अबाउट व्हाट रियल स्पिरिचुअलिटी इज। इट्स लाइक कमिंग बैक टू योरसेल्फ। बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये समझते हैं, व्हाई आर वी अलाइव? इसका कोई आंसर नहीं है, यू आर अलाइव। स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट इज लाइफ। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट व्हाई और हाउ। आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, जो सो कॉल्ड गुरुज हैं मार्केट में, वो इन्हीं दो एस्पेक्ट्स पे फोकस करेंगे, व्हाई और हाउ। दोनों का रियल स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हाउ मतलब क्या? कि आप दुखी हो, अब आप मेरे पास में आए, मैंने आपको एक टेक्निक दे दी, मैंने कहा ये करते रहो, ये मेरा कोर्स है, ये ज्वाइन कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ. How का कि अगर how? There is no how there. How has got nothing to do with spirituality. Real spirituality, जो वेद है, उपनिषद है, that is not about how. That is about what. What? It is about what? What is Atman? What is Brahman? आत्मन मतलब मैं. आत्मा. आत्मा भी लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट है, मूवीज देख देख करके, भूत प्रेत है वो. अरे नहीं जी, आत्मा मतलब मैं कौन हूं. क्या आत्मा और परमात्मा अलग अलग है? ये सब जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही है ना अभी उस इंसान के लिए जिसने कभी कंटेम्पलेट ही नहीं किया, उसका आइडियाज है. यस सर. देखो वो आइडियाज, वो कॉन्सेप्ट, वो किस तरह इशारा कर रहे हैं, उसकी रियलिटी क्या है, उसको देख लो ना. जैसे एक है इसके बारे में, इस कप के बारे में, जो भी कुछ इसके अंदर है उसके बारे में लिखा हुआ है, उसको आप कह सकते हो वेद हो गया, उपनिषद हो गया. एक है इसके अंदर जो कंटेंट है, उसको पी करके देखो ना, चखो उसको, मतलब एक्चुअल में देखो वो क्या है, एक्सपीरियंस करो. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद हाउ, बिकॉज देर इज नो हाउ. कहां पे काम आता है? दुनिया में काम आता है. आपको पैसा कैसे कमाना है? देर इज हाउ फॉर इट. हाउ टू मेक मनी? मेक सेंस. हाउ टू मेक अ रिलेशनशिप बेटर? मेक सेंस. हाउ टू बी फिट एंड एक्टिव? मेक सेंस. बट हाउ टू डिस्कवर योरसेल्फ? उसका कोई कोई पाथ ही नहीं है, क्योंकि आप खुद से कितना दूर हो, आप खुद से एक सेंटीमीटर भी दूर नहीं हो, तो उसका पाथ कैसे हो सकता है? यू आर जस्ट देयर. यू आर देयर, यू आर हियर, यू आर नाउ. तो देखो ना खुद को, पूछो ये क्वेश्चन.